नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने मंगलवार को कर्नाटक में 40 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं पिछले विधानसभा कार्यकाल के दौरान पार्टी छोड़कर जाने वाले विधायकों की वापसी के बाद टिकट देने को लेकर पार्टी में विवाद देखने को मिल रहा है। अब इस विवाद को देखते हुए राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को संदेश दिया है कि वे अपने मुद्दों को सुलझा लें और शेष सीटों के लिए एकल नाम सूची लेकर आएं। सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी की तरफ से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि त्रिशंकु सदन की स्थिति या पार्टी के खराब प्रदर्शन करने के हालात में ये नेता दल छोड़कर ना जाएं। गौरतलब है कि एचडी कुमार स्वामी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार को साल 2019 में कई विधायकों ने खेमा बदलकर गिरा दिया था। हालांकि मई में होने वाले चुनाव से पहले उनमें से कई नेताओं ने पार्टी में वापसी कर ली है। ऐसे नेताओं को डीके शिवकुमार का करीबी माना जा रहा है और उन्हें मैदान में उतारने के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगातार तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि फडणवीस ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल गांधी कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूँ। अरे नादान आदमी, ना आप सावरकर हो सकते हैं ना गांधी हो सकते हैं। सावरकर बनने के लिए त्याग करना पड़ता है। हमारे घर में जितना टॉयलेट होता है उस अंडमान की जेल ने उतने बड़े कमरे में सावरकर को बंदी बनाकर रखा था। वहाँ पूरी तरह अंधेरा था, उजाला तक नहीं आता था, वहीं उन्हें शौच करना पड़ता था। अरे राहुल गांधी, उस कमरे में एक रात बिताकर दिखाओ, हम आपके लिए एसी लगा कर देंगे लेकिन आप वहाँ नहीं रह सकते। भारतीय जनता पार्टी इस समय महाराष्ट्र के हर जिले में वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को नागपुर में ही मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी द्वारा सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा कि राहुल गांधी को वीर सावरकर का अपमान जारी रखना चाहिए। गडकरी ने कहा कि वीर सावरकर का अपमान करने से उनका कद छोटा नहीं हुआ बल्कि उन्हें घर घर ले जाने का अवसर मिला। हम राहुल गांधी के आभारी हैं कि उन्होंने हमें सच्चाई और सावरकर को घर घर तक पहुँचाने का मौका दिया। राहुल गांधी को इसे जारी रखना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। यानी कि केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को मुफ्त बिजली देना जारी रखेगी। बता दें, मंगलवार को संपन्न हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में बिजली पर सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक आपका बेटा है आपको मिल रही सुविधाएं नहीं रुकेंगी। वहीं बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि फ्री बिजली रोकने की तमाम साजिशों के बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को बिजली पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि दिल्ली वालों को न सिर्फ 24 घंटे बिजली मिलेगी बल्कि फ्री बिजली मिलेगी। उन्होंने बताया कि पहले की तरह ही 200 यूनिट तक फ्री और 200 से 400 यूनिट तक 50% छूट रहेगी। कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री आतिशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली वालों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी को रोकने की साजिश चल रही है। बिजली विभाग के अफसरों ने हमें बताया है कि किस तरह से बीजेपी के नेता एलजी ऑफिस में बैठते हैं। वहाँ बिजली विभाग के अफसरों को बुलाया जाता है और उन पर दबाव बनाया जाता है कि दिल्ली सरकार की ओर से दी जा रही फ्री बिजली को किसी तरह से रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यों की सोशल मीडिया टीमों के लिए आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए पार्टी के सोशल मीडिया सेल को एक खास सलाह देते हुए कहा कि हमें हमेशा पार्टी के मूल्यों का पालन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि राजनीतिक संवाद के स्तर को गिरने से बचाएं। भले ही विपक्ष कुछ भी करे या कहे, हमें अपने मूल्यों को याद रखना जरूरी है। उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर भी बात की। नड्डा ने कहा कि पार्टी के पास न केवल सबसे अधिक बल्कि सबसे प्रतिभाशाली कार्यकर्ता का भी नेटवर्क है। ये सभी कार्यकर्ता पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास के संदेश को जनता तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। हमारे पास सोशल मीडिया को देखने के लिए जैसे प्रतिभावान कार्यकर्ता हैं, उनसे हमें उम्मीद यही रहती है कि वो विश्वसनीय और लोगों को जोड़ने जैसी सामग्री पर खास तौर पर काम करें। AIMIM की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष उस्मान गनी ने मंगलवार को बताया कि कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में पार्टी करीब 25 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। गनी के मुताबिक चुनाव के मद्देनजर AIMIM जनता दल सेक्युलर के साथ चुनावी गठबंधन करने पर भी विचार कर रही है। वहीं इससे पहले पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा था
कि अब तक हमने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। हम चुनावी गठबंधन के लिए तैयार हैं। हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। हमारा गठबंधन होगा या नहीं, इसे लेकर हमें इंतजार करना होगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में कल सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात ने दिल्ली को 6 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली को ये हार उनके घर में ही मिली है। बता दें कि गुजरात टाइटंस ने दिल्ली के दिए 163 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 18.1 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com पर।